हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेनेटरी गेयर बॉक्स के बारे में, इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले प्लेनेटरी गेयर बॉक्स, जिसे कि एपिसाइक्लिक गेयर ट्रेन गेयर बॉक्स भी कहा जाता है। मैं आपको एनिमेशन के थ्रू अच्छे से समझाऊंगा कि इसके अंदर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और ये कैसे काम करता है। डिटेल में जानेंगे हम प्लेनेटरी गेयर बॉक्स के बारे में, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं सिंगल स्टेज और डबल स्टेज दोनों प्लेनेटरी गियर बॉक्स के बारे में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्लेनेटरी गियर बॉक्स के पार्ट के, लेकिन उससे भी पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर इन्हें प्लेनेटरी गियर बॉक्स क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि सोलर सिस्टम में हमारे सौरमंडल में सन जो है वो एक सेंटर पॉइंट पे फिक्स है और उसके चारों तरफ जो है बाकी के सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक इसी तरह से इस गियर बॉक्स में एक सन गियर होता है। यहां पर जो डायग्राम में आपको सेंटर में दिख रहा है वो सन गियर है, वो अपनी जगह पे फिक्स रहता है और वहीं पे घूमता है। और जो ये तीन जो गियर बाकी अलग से जो हैं, अभी जो ब्लू कलर के जो घूमते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्लेनेटरी गियर्स हैं, क्योंकि ये इस सन गियर के चारों तरफ घूम रहे हैं जैसा कि हमारे सोलर सिस्टम में होता है। और एक इसका पार्ट है वो है बाहर का, जो आपका जो एक एपिसाइक्लिक गियर दिख रहा है आपको, जो जिसमें इंटरनल टिथ है गियर्स, वो है आपका इंटरनल गियर और उसी ही आउटर रिंग भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं ये जो फिक्स, जो ये जो तीनों प्लेनेटरी गियर जिसमें फिक्स हैं, वो फ्रेम जो है उसे कैरियर भी कहा जाता है या फिर फ्रेम भी कहा जाता है। अब सिंगल स्टेज प्लेनेटरी गियर अरेंजमेंट देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो नीचे से दिख रहा है ग्रीन कलर का शाफ्ट दिख रहा है, वो इसका इनपुट शाफ्ट है जिसमें ग्रीन कलर का गियर फिक्स है और वो गियर जो है वो सन गियर है, यानी सेंटर में है वो गियर, वो सन गियर है, वो घूम रहा है और पावर दे रहा है प्लेनेटरी गियर्स को, जिसके कारण जो है प्लेनेटरी गियर्स जो ब्लू कलर के हैं वो घूम रहे हैं, लेकिन उनका स्पीड थोड़ा कम है अगर हम रिवॉल्यूशन के हिसाब से देखें तो। अब ये जो तीनों ब्लू गियर्स हैं वो एक फ्रेम में फिक्स हैं, जो फ्रेम आपका रेड कलर का दिख रहा है। रेड कलर का फ्रेम कुछ ऐसा है कि इसमें तीन शाफ्ट निकले हुए हैं जिसमें ये तीनों ब्लू गियर्स लगे हुए हैं नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ एक शाफ्ट जिसमें एक और गियर फिक्स है। अब ये हो गया सिंगल स्टेज। अगर ये डबल स्टेज होगा तो ये वाला जो गियर है जो रेड कलर का है, ये फिर से सन गियर बन जाएगा अगले स्टेज के लिए और इसके तीनों तरफ फिर से प्लेनेटरी गियर्स फिक्स हो जाएंगे। ये है टू स्टेज प्लेनेटरी गियर बॉक्स। यहाँ पर देखिए आप, ये क्रॉस सेक्शन है गियर बॉक्स का, जो आउटर कवर है जिसमें इंटरनल गियर्स हैं उसको मैंने कट सेक्शन यहाँ पर दिखाया है ना। तो ये देखिए इनपुट शाफ्ट है जो जिसमें सन गियर लगा हुआ है और उसमें तीन प्लेनेटरी गियर्स हैं जो घूम रहे हैं और वो भी एक अंदर तरफ से मैश में है इंटरनल गियर्स के। तो इसका स्पीड देखिए इनपुट शाफ्ट का ज़्यादा है जबकि प्लेनेटरी गियर्स का थोड़ा कम है। अब ये प्लेनेटरी गियर्स का जो आउटपुट है वो फिर से सन गियर बन चुका है नेक्स्ट स्टेज के लिए, और नेक्स्ट स्टेज के सन गियर के प्लेनेटरी गियर्स को घुमा रहा है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इसका जो आउटपुट है वो डायरेक्ट आउटपुट शाफ्ट है आपका। तो यहाँ पर दो स्टेज में स्पीड रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए इसे डबल स्टेज या फिर टू स्टेज प्लेनेटरी गियर बॉक्स कहा जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको प्लेनेटरी गियर बॉक्स के बारे में समझ आ गया होगा। वैसे तो प्लेनेटरी गियर बॉक्स के तीन वेरिएशंस होते हैं, मोस्टली इंडस्ट्रीज में यही वर्जन यूज होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।